नमस्कार दोस्तों, आज हम चलते हैं सुंदरबन की दुनिया में। ये दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव जंगल है जो इंडिया और बांग्लादेश में फैला है। यहाँ के घने जंगल, अजीबोगरीब जानवर और रहस्यमय किस्से बहुत पुराने समय से लोगों को अपनी तरफ खींचते रहे हैं। तो आइए इस वीडियो में हम सुंदरबन के कुछ राज और कहानियों को जानते हैं। सुंदरबन के लोग बोम्बिबी देवी को मानते हैं जो जंगल की रक्षा करती है। हिंदू और मुस्लिम दोनों ही धर्म के लोग बोम्बिबी को मानते हैं। कहानियों में आपने सुना होगा कि कैसे बोम्बिबी ने लोगों को बाघों से बचाया है। ये दिखाता है कि यहाँ के लोग प्रकृति से कितना प्यार करते हैं। सुंदरबन के रॉयल बंगाल टाइगर्स कभी कभी आदमियों को भी अपना शिकार बना लेते हैं। ये बाघ अपनी ताकत और चालाकी के लिए जाने जाते हैं और जब ये हमला करते हैं तो उनके शिकार का बच पाना मुश्किल होता है। लेकिन ये क्यों होता है ये कोई नहीं जानता। सुंदरबन का जंगल अपने आप में एक रहस्य है और यहाँ के बाघों का व्यवहार भी उतना ही रहस्यमय है। कुछ लोग कहते हैं कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन्हें खाने को कम मिलता है। जंगल में शिकार की कमी होने के कारण ये बाघ इंसानों पर हमला करने को मजबूर हो जाते हैं। तो कुछ कहते हैं कि ये बाघ अपने इलाके की रक्षा के लिए ऐसा करते हैं। अपने क्षेत्र को सुरक्षित रखने के लिए ये बाघ किसी भी खतरे को बर्दाश्त नहीं करते। ये रहस्य आज तक कोई नहीं सुलझा पाया है और यहाँ आने वाले हर किसी को इस बाघ का डर और रोमांच दोनों होता है। सुंदरबन की यात्रा एक अद्वितीय अनुभव है जहाँ हर कदम पर रोमांच और खतरे का एहसास होता है। सुंदरबन के मवाल अपनी जान हथेली पर रखकर जंगल से शहद निकालते हैं। ये काम जितना खतरनाक है उतना ही रोमांचक भी है। बहुत पुरानी परंपरा है ये, जिसमें मवाल जंगली मधुमक्खियों के छत्तों से शहद जमा करते हैं। ये परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है और इसमें बहुत धैर्य और साहस की आवश्यकता होती है। बाघ और दूसरे खतरों के होते हुए भी ये लोग जंगल में जाते हैं और बोम्बिबी की पूजा करते हैं ताकि वो उनकी रक्षा करे। बोम्बिबी को सुंदरबन के लोग जंगल की देवी मानते हैं और उनकी पूजा से उन्हें सुरक्षा की भावना मिलती है। मवाल और उनका शहद इकट्ठा करने का तरीका सुंदरबन के लोगों के साहस और प्रकृति के साथ उनके तालमेल को दिखाता है। ये लोग प्रकृति के साथ एक अनोखा संबंध बनाते हैं जो उनके जीवन का अभिन्न हिस्सा है। सुंदरबन की खूबसूरती को समुद्र से खतरा है। धीरे धीरे समुद्र का पानी सुंदरबन के द्वीपों को डुबा रहा है। कई द्वीप तो अब पानी में समा चुके हैं। डर इस बात का है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन पूरा सुंदरबन ही पानी में डूब जाएगा। ये सुंदरबन के लोगों के जीवन का एक दुखद सच है। सुंदरबन के पानी में भी कई राज दफन है। मछुआरे बताते हैं कि रात में पानी के ऊपर अजीब रोशनी दिखती है जिसे अलिया कहते हैं। कहते हैं कि ये रोशनी मरे हुए मछुआरों की आत्माएं हैं जो पानी में भटक रही हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये रोशनी देखकर लोग रास्ता भूल जाते हैं और हादसे का शिकार हो जाते हैं। साइंस भी इस रोशनी का रहस्य नहीं सुलझा पाया है। सुंदरबन का बहुत बड़ा हिस्सा आज भी एक राज है। यह जंगल अपने आप में एक रहस्यमय दुनिया है जहाँ हर कदम पर एक नया रहस्य छुपा हुआ है। इस घने जंगल में जाना खतरनाक है, इसलिए यहाँ के कई हिस्सों में आज तक कोई नहीं गया है। यहाँ की कठिनाइयाँ और चुनौतियाँ किसी भी साहसी को सोचने पर मजबूर कर देती हैं। बहुत से लोग मानते हैं कि इस जंगल में अभी भी कई अजीब जानवर छुपे हुए हैं। इन जानवरों की कहानियाँ और उनके अस्तित्व के प्रमाण आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक पहेली बने हुए हैं। छुपे हुए खजाने और पुराने रहस्य छुपे हुए हैं। इन खजानों और रहस्यों की खोज में कई पीढ़ियाँ बीत चुकी हैं, लेकिन अभी भी बहुत कुछ अनसुलझा है। हो सकता है कि आगे चलकर टेक्नोलॉजी और साहस के दम पर हम सुंदरबन के इन रहस्यों को जान पाए। आधुनिक उपकरण और नई तकनीकें हमें इस जंगल के अनछुए पहलुओं को समझने में मदद कर सकती हैं। सुंदरबन एक अद्भुत जगह है। इसकी खूबसूरती, रहस्य और यहाँ के लोगों की कहानियाँ हमें सोचने पर मजबूर करती हैं। ये जंगल हमें याद दिलाता है कि प्रकृति से हमारा रिश्ता कितना नाजुक है और हमें इसका ध्यान रखना कितना जरूरी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे ही मज़ेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।